Hello students, welcome back to your own channel CS Iringeria, and I am your English teacher Banerjee Pallavi, again with a new chapter, that is 1.6 Into the Wild. Very interesting story. इसके बारे में ये दो पार्ट में है. एक पार्ट वन जो है वो आपके किरण पुरंदर के जो 400 डेज अपने जंगल में गुजारा है उन्हें उम्बजारा में, उनके बारे में है. उनसे थोड़ा सा एक समरी निकाल के इसमें डाला गया है, थोड़ा सा एक्सेप्ट करके निकाला गया है. और पार्ट टू है वो शाह जंग के लिए है, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और उनके लाइफ में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न आए हैं और कैसे वो फेमस हो गए हैं, उस बारे में एक सिनॉप्सिस है. तो आप देखेंगे ये पार्ट वन एंड पार्ट टू, मैं दोनों एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी. अगर नहीं हुआ तो वीडियो दो पार्ट में बटेगा, ठीक है. अब आपके अगर कोई क्वेरीज है रिलेटेड आपके इंग्लिश के या कोई अदर सब्जेक्ट्स के बीच ये चैनल में, आपके अपने चैनल में, तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप में कमेंट ड्रॉप कीजिए और व्हाट्सएप का नंबर जो है उसमें अपने क्वेश्चन बिल्कुल डालें. वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें. तो चलिए हम शुरू करते हैं 1.6 इनटू द वाइल्ड. इनटू द वाइल्ड जो है वो किरण पुरंदर के जी, किरण पुरंदर जी है, उनके बायोग्राफी, आप ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हैं. उन्होंने ये हमसे बातचीत करते हुए ये वाला जो बुक है उनका 400 डेज का, उसमें से डिराइव किया हुआ है. किरण पुरंदर बॉर्न 1961. आफ्टर बीकॉम ही स्टडीड एनवायरमेंटल स्टडीज. तो बीकॉम करने के बाद, नॉर्मल जो उनका बीकॉम करने के बाद, उन्होंने एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ जॉर्डन हिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन स्कॉटलैंड में उन्होंने स्टडी किया था. ही इज़ अ रिसिप्टेंट ऑफ साहित्य पुरस्कार, पुनेज भाई माधव बागल अवार्ड एंड बेस्ट लिटरेचर अवार्ड गिवन बाय कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर हिज शाखा नग जीरा. ये इतने सारे उन्होंने अवार्ड रिसिप्ट किया है, उसके बाद उनको कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र से बेस्ट लिटरेचर अवार्ड मिला है, किसके लिए? शाखा नग जीरा के लिए. He spent 400 days inside Nagzira and nearby forest areas and wrote his award-winning book. तो ये जो बुक उन्होंने लिखा है, जो ये वाली बुक है, वो award-winning बुक है. उन्होंने अपने जो experiences है, जो उन्होंने वहाँ पे अपने आजू बाजू जब वो 400 days वहाँ थे तब उन्होंने क्या experience किया, उसके बारे में ये बुक है. This excerpt का मतलब होता है जो उसमें से थोड़ी सी चीज़ें, अच्छी वाली चीज़ें निकाल के बताए गए हैं. Has been taken from the same. उसी से लिया गया है. He is a wildlife expert है, a bird watcher है, a writer है, an honorary wildlife warden in Maharashtra. He is also the founder of Nisarg Wealth Organization, which works for nature conservation and community work around Nagzira, Navegao, a tiger reserve in Bhandara. एंड गोंडिया डिस्ट्रिक्ट. यानी उनके उनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसका नाम है निसर्ग वेद ऑर्गेनाइजेशन. एंड वो किस लिए काम करते हैं? वो नेचर को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए. और उन कौन से जगह पे हैं वो? टाइगर को भी रिजर्व, टाइगर रिजर्व इन भंडारा. बीच में बहुत सारे टाइगर्स को लाया गया था ताकि उसका जो है उनका जो नंबर्स है उनको इंक्रीज़ कर सके, क्योंकि ये सब एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. तो ये जो लोग होते हैं एक्टिविस्ट, वो एनिमल्स को एक सर्टेन नंबर तक बढ़ाने के लिए ये सारे चीज़ करते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन, राइट. ही ऑल्सो फाउंडेड किकास बर्ड क्लब इन ऑर्डर टू स्प्रेड बर्ड फार्मिंग, विच इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग स्कूल गोइंग गर्ल चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र में आप अगर रिमोट विलेजेस में देखोगे या बहुत सारे डिफरेंट विलेजेस प्रॉपर महाराष्ट्र में देखोगे, तो वो लोग बर्ड्स को, एक कनरी होता है जब हम बर्ड्स कनरी बोलते हैं, बर्ड्स के ब्रीडिंग करते हैं और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखा जाता है वहाँ पे. जबकि आजकल तो लोग इस सारी चीज़ों को मानते ही नहीं है, वो बर्ड्स को अपने पिंजरे में रख के उसको पेट्स बनाते हैं, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए. बर्ड्स आर फॉर फ्री फ्लाइंग, तो उनको फ्री छोड़ देना चाहिए. तो बर्ड्स, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनके नाम ही हम नहीं जानते. जब हम देखते हैं उनको तो हमें लगता है अरे वाह कितने सुंदर बर्ड्स है. बीच में तो स्पैरोज भी नहीं दिखते थे, जो चिमनी बोलते हैं आप या चिउताई बोलते हैं, वो भी नहीं दिखाई देते थे, पर आजकल वो भी दिखाई देने लग गए.
तो बिकॉज ऑफ दीज पीपल ये सब होता है. तो पार्ट वन ये जो ये तो था आपके ऑथर के बारे में. अब ये जो मैंने आपसे कहा कि ये जो इन टू द वाइल्ड जो है वो दो पार्ट में है. एक पार्ट वन जो किरण पुरंदर के बारे में है एंड पार्ट टू किसके बारे में मैंने आपको बताया फिर भी हम देखेंगे यहाँ पे. पार्ट वन जो है एज द सेम सजेस्ट तो नेम सजेस्ट जो करता है एज द नेम सजेस्ट द एक्सपर्ट इन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर वेर किरण पुरंदे द सॉलिटरी ट्रैवलर मतलब सोल ट्रैवलर अकेले इज कम्प्लीटली लॉस्ट इन द जंगल्स ऑफ उम्बलजारा. उम्बलजारा के जंगल में वो कम्प्लीटली अकेले होके लॉस्ट हो जाते हैं. शायद वो राह भटक गए होंगे वो आगे हम देखेंगे. ही नरेट्स हाउ ही लॉस्ट हिज वे एट द फॉल ऑफ द डस्क. फॉल ऑफ द डस्क यानी शाम होते होते वो अपने राह भटक गए. एंड टेरिफाइंग टर्मोइल ही अंडरवेंट देयर आफ्टर और उसके बाद कैसे डरावनी चीज़ें होने लगी उनके साथ और कैसे उनमें एंजाइटी नर्वसनेस डर ये आने लगा. शाउटिंग फॉर हेल्प वुड लिटरली मीन क्राइंग इन द वाइल्डनेस मतलब अगर रो के चिल्लाना वो जंगल में तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उल्टा जंगल के जो प्रीडेटर्स होते हैं एपेक्स प्रीडेटर्स वो आके उनको खा लेते हैं. He also gives a detailed description of how he found his way towards the Pitzeria. Pitzeria है वहाँ का विलेज का नाम. अब वो डिटेल में बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी राह ढूंढी कैसे उनको खोज पाए और अपने विलेज में जहाँ पे वो स्टेशन थे यानी जहाँ पे वो ठहरे हुए थे उसका रास्ता कैसे मिला उनको. अब हम देखेंगे द सेकेंड पार्ट वो कैसे किसके बारे में. नाउ सेकेंड पार्ट जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट था आपका किरण पुरंदर के बारे में और जो सेकेंड पार्ट है आपका वो है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीएन ट्रैवलर मैगजीन. सीएन ट्रैवलर मैगजीन से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है और पब्लिश्ड बाय लैंड रोवर इंडिया. इट इज़ अबाउट शाज जंग जैसे मैंने आपको बताया शाज जंग नोन फॉर इज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. वो किस लिए जाने जाते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए वो चर्चित है या वो फेमस है. It briefs us about his entry into this world of wildlife photography, the insight that he received during this journey regarding the loss of the habitat of those heroes of the jungle and the genuine efforts that he took by establishing BCRTI. इसके बारे में विस्तार से चैप्टर में बताया गया है. For the conservation of forest by educating the local rural folks and providing them with a sound, reliable source of income. अब बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि विलेजर्स को क्या फ़ायदा है जंगल को बचा के क्योंकि जंगल के तो जंगली जानवर होते तो वो उनकी खेत बिगाड़ देते हैं लाइफ स्टॉक यानी उनके भेड़ बकरी उनको खा लेते हैं उठा ले जाते हैं कभी कभी बच्चों को उठा के लेके जाते हैं तो वो तो नुकसान ही करते तो उनका फ़ायदा क्या होता है ये भी आपको पता चलेगा और जंगल को एक्सप्लोर करने का भी क्या फ़ायदा है ये भी आपको आगे पता चलेगा. तो चलिए हम लेसन्स को देखते हैं. फर्स्ट आपका जो पार्ट वन है पार्ट वन जो है वो लॉस्ट इन द जंगल. नाउ लॉस्ट इन द जंगल यानी ये किरण पुरंदर अपने 400 डेज का जो डायरी है लिखा है उन्होंने उसमें इसमें से हमने इसको निकाला है यानी इन्होंने इनको निकाला है जो सिलेबस में आपके द एट हैंड हाफ आवर लॉन्ग डे इन साइड द हाइट. हाइट मतलब छुपने की जगह यानी एक नॉर्मली इसको हाइट बोलेगा तो छुपने की जगह तो एक छोटे से एक कुटिया जैसी बनाते हैं या टेंट जैसे बोल सकते हो आप एक टेंट जैसे जहाँ पे जंगल में रहा जाता है तो वहाँ पे कितने घंटे 8.5 hours लॉन्ग डे इनसाइड द हाइट वॉज एज फ्रूटफुल एज द जाम्बा ट्री स्टैंडिंग टॉल ऑन द एज ऑफ द अम्बलजारा. अम्बलजारा है फॉरेस्ट का नाम और एच पे एक बड़ा सा जाम्बा ट्री है जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट लगे हुए तो वो बता रहे कि 8.5 hours जो हाइट पे जो वो थे हाइट जो प्लेस आपको शायद दिया गया है अ प्लेस बिल्ट टू लुक लाइक इट्स सराउंडिंग ओके वो वैसे ही दिखता है जैसे जंगल के आजू बाजू की चीज़ें दिखती हैं तो वहाँ पे तो ऐसे लग रहा था जहाँ पे छुप के बैठे हैं तो वैसे ही लग रहा था जैसे एक झाड़ जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे हैं और कौन सा झाड़ है वो जाम्बा ट्री. बिफोर रैपिंग रैपिंग मतलब एंड ऑफ द डे एंडिंग द डे अब
my day at this natural water hole, I took entries of the avifauna. Avifauna matlab species of birds. पर्टिकुलर रीजन के बर्ड्स हैबिटेट और ज्योग्राफिकल पीरियड के जो बर्ड्स होते हैं उसको एविफोना बोलते हैं. एंड एंटुक एंट्रीज मतलब लिखा उन्होंने, जॉट डाउन किया. फील्ड नोट्स, इन माई फील्ड नोट्स, फील्ड नोट्स यानी उनकी डायरी. यहाँ पे फील्ड नोट्स का मतलब उनकी डायरी है. सिंस आई वॉज अलोन आई रश टू पिटजेरिया विलेज वेयर आई वॉज स्टेशन. क्योंकि वो अकेले आए थे जंगल में तो इसलिए रात होते हैं और होने से पहले ही वो चले जाते थे पिटजेरिया में. स्टेशन होना मतलब वहाँ पे ठहरना. क्या करने जाते थे? खाना खाने, सोने और फिर वापस सुबह होते ही वापस आते थे. आई कैमोफ्लैज द हाइट. हाइट को कैमोफ्लैज किया मतलब आजू बाजू के सूखे पत्ते लेके उसे ढाक दिया गया. ऐसे लगा कि वो पत्तों का ही या जंगल का ही एक हिस्सा है. कैमोफ्लैज भी आपको दिया गया है. डिस्गाइज्ड बाय द कवरिंग इट इन टू मेक इट इन विथ सराउंडिंग. सबसे बेटर एग्जाम्पल अगर कैमोफ्लैज का होता है तो वो आप गिरगिट को बोल सकते हैं, या जिसको हम इंग्लिश में कैमेलियन बोलते हैं. जो कैमेलियन होता है वो जहाँ भी रहते हैं गिरगिट, वहाँ पे वो अपना रंग उसी तरह बदल देता है. यानी वो अपने आप को उस जगह के कलर से कैमोफ्लैज कर लेता है. समझो वो ब्लू कलर पे है तो वो अपने आप को ब्लू कलर में ढाल लेता है. दैट इज़ नोन एज कैमोफ्लैज. माय एसेंशियल केम आउट ऑफ द हाइट एंड स्ट्रेच्ड आउट टू माय हार्ट्स कंटेंट. तो अभी उन्होंने क्या किया, वो जो उनके सामने सारे जो कम बाहर निकल के आए और essentials came out of the hide and stretched out to my heart's content. मतलब बहुत सारी चीज़ें, उनका खाना पीना सब, वो सब ले टिफ़िन ले आया होगा, कैमरा होगा, सब कुछ निकाल के वो बोले चलो अब चलते हैं. I lifted my camera bag and took the familiar trail to Pitizeria. Lifted my camera bag, उन्होंने अपना कैमरा बैग उठाया और वो कहाँ चलने लगे. He started walking towards the familiar trail. Familiar trail to Pitizeria मतलब जिस रास्ते से वो आए थे उस रास्ते से वो जा रहे, क्योंकि वो रास्ता उनका जाना पहचाना है. रोज़ हम जिस रास्ते से जाते हैं वो रास्ता हमारे लिए familiar हो जाता है, जाना पहचाना बोल सकते हैं आप. Negotiating the web leaves of teak wood. Negotiating the web leaves of the teak wood and moha trees. तो देख रहे थे कि वहाँ पे मोहा ट्रीज है, टीक वुड्स है. जैसे हम जाते हैं लैंडमार्क ढूंढते हैं ना, ये अगर कोई नई जगह पे आप जाते हो तो हमेशा आप लैंडमार्क रखते हो, पता करते हो कि हाँ यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, या फिर ये होटल है, या आप देखते हो कि स्कूल, ये स्कूल का नाम है, या कुछ ऐसी चीज़ आप याद रखते हो. अगर कोई गली गली है तो यहाँ गली के इस मोड़ पर जाना है तो उस मोड़ पर एक पान की दुकान है. उसी तरह इन्होंने अपना ट्रेडमार्क रखा था एक टीकवुड और मोहा ट्रीज कि यहाँ से ट्रेल है, यहाँ से हम जाएंगे. ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, जितना कम आवाज़ करके फुटस्टेप धीरे धीरे जा रहे थे. अब जंगल में थोड़ी शाम होने लगती है ना तो हमेशा आपको थोड़ा सतर्क ही रहना पड़ता है. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, नहीं तो ज़रा ज़रा साउंड ज़्यादा आए तो आप किसी का खाना बन जाओगे. आई वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली मतलब चल रहे थे, कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक. अमॉन्ग द वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल होता है. वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस देन वॉकिंग विद अ कंपेनियन. एक से भले दो बोलते हैं, अगर आप कहीं जाते हैं तो अगर दो इंसान होता है तो टाइम पास हो जाता है. अगर दो इंसान साथ में चलते हैं, कंपनी साथ में होती है तो आपको टाइम का पता भी नहीं चलता और आपको ज़्यादा डर भी नहीं लगता, बहुत कुछ आप आसानी से कर लेते हो क्योंकि आपके पास हर चीज़ डबल हो जाता है. बट जब आप अकेले होते हो तो उतना ही ज़्यादा आप सतर्क अलर्ट रहने की कोशिश करते हो और उतना ही ज़्यादा आपको डर या कॉशियस फील करने लगते हो कि भैया अभी कुछ हो जाएगा. और स्पेशली जब आप जंगल में हो तो थोड़ा तो डर बनता ही है. आई वॉज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स. अब उसको ऐसा लगे कि वो फॉक्स. अब उसने ऐसे क्यों बोला, ये सिमिली है. अगर आप अपना फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो दिस इज़ अ सिमिली. तो अलोन लाइक अ फॉक्स क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि एक तो लाइक आ गया इसी वजह से मैंने सिमिली कहा. अब ये जो सेंटेंस है कभी क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसका आप डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे. क्योंकि जो फॉक्स होते हैं वो हमेशा झुंड में होते हैं, तो जब झुंड में होते हैं तो वो बहुत आवाज़ करते हैं और वो अपना लोगों को डरा सकते हैं और प्रीडेटर कुछ कर नहीं सकता.
लेकिन अगर वो अकेले होते वो उतना ही डरे हुए रहते. सो उनके लिए, इनके लिए ऐसे हो गया कि जब फॉक्स अकेला होता है वो कुछ ज़्यादा ही सावधान होने लगता है, तो उस उन्होंने वो अपने आप को फॉक्स जैसे बताने लगे. फॉलोइंग द ट्रेल साइलेंटली, जो ट्रेल था उसको फॉलो करने लगे. वॉचिंग विद वाइड ओपन आइज, अपनी आँखें पूरी खुली रख के चलने लगे. माई ईयर्स वर स्क्रैप्सिंग वराइटी ऑफ साउंड्स जस्ट व्हेन अ फैमिलियर साउंड स्टंड मी. उनकी जो आजू बाजू से जो आवाज़ें आ रही थी उनको ऐसे लग रहा था कि तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी. वराइटी ऑफ साउंड्स मतलब तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी. उन्हीं में से उनको एक बहुत ही फेमिलियर मतलब बहुत ही जाना पहचाना आवाज़ आने लगा. क्या था आवाज़? ख्याक 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 ओस ख्याक. ये जो आवाज़ था ये था लंगूर का. इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल. मैं फिर से बोलना चाहूँगी, जब इंग्लिश पढ़ रहे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करें. हम ये नहीं बोल रहे कि इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन तो एक दिन में सुधर जाएगी, लेकिन बार बार आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल होगा. जैसे अब मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि यहाँ बहुत से बच्चे इसको अल्लाह राम बोलते हैं. ये अल्लाह और राम दोनों साथ में नहीं होता, ये अलाम होता है. तो मेक श्योर कि आप प्रोनाउंस बराबर करें. तो अलार्म दिया यहाँ पे, यानी अलार्म क्लॉक लेके तो नहीं गया था, तो उन्होंने ऐसे आवाज़ दिया है, लंगूर ने ऐसे आवाज़ दे के सबको सतर्क किया कि कुछ डेंजर है, कुछ गड़बड़ है. द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ द लंगूर वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स. जो लंगूर के लीडर थे वो अलार्म कॉल्स दे रहे थे सबसे टॉल ट्री में बैठ के. मतलब उनको टॉल ट्री में देख के, यानी उन्होंने बिल्कुल सही कुछ देखा होगा, कुछ तो डेंजर आ रहा होगा, इसी वजह से वो घबरा के सबको सतर्क कर रहे थे. आप देखते हैं क्या, तो यहाँ पे क्या ख़त्म हुआ हमारा, अलार्म कॉल्स आउट ऑफ फियर फॉर लाइफ, यानी अपनी जान की उनको परवाह थी, इसी वजह से वो डरे हुए थे कि हमारे जान को खतरा है, इसलिए वो सबसे टॉप ट्री में जो लीडर है वो गए और जाके देखे तो क्या वो अलार्म देने लगे, यानी उन्होंने कुछ देखा है. क्या देखा है? रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल्स. और जो आजू बाजू में भी पेड़ पे लंगूर चढ़ गए, जो लीडर तो चढ़े हुए थे सबसे टॉप में, आजू बाजू वाले लंगूर भी दूसरे दूसरे ट्री में चढ़ गए, चढ़ के वो भी उनके साथ अलार्म देने लग गए. द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स वॉज एक्सपांडिंग इट्स रेंज. Fortified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on tree tops. Fortified का मतलब, ये सॉरी, इट इज petrified. सो इट्स प्रोनाउंस्ड एज petrified. Petrified का मतलब होता है very frightened, यानी बहुत ही घबराए हुए. तो सारे जो लंगूर बहुत घबराए हुए आवाज़ देने लगे और स्पीड से आजू बाजू जितने भी ट्रीज हैं उनके ऊपर चढ़ गए, चढ़ के अपने अपने प्लेस को सिक्योर कर लिया. ऑल दिस अपहीवल वॉज क्रिएटेड बाई ओनली वन एनिमल्स प्रेजेंस, अ लेपर्ड. लेपर्ड के वजह से सब लोग इतना केओस हो रहे थे, इतना डर रहे थे और इतने सारे मेस्टअप हो रहा था. मैनी एनिमल्स मेक अलार्म कॉल्स व्हेन दे सी अ प्रीडेटर. प्रीडेटर मतलब जैसे आपने चेन और फूड चेन देखा होगा, तो ये इसको खाता है वो उसको खाता है, ऐसे होता ना, जैसे स्नेक फ्रॉग को खाते, फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाते, तो ये ऐसा चेन फूड चेन है. तो फूड चेन में सबसे बड़ा जो एपेक्स प्रीडेटर्स होते हैं वो टाइगर लायन टाइगर ये होते हैं. तो प्रीडेटर कौन था? लायन और लेपर्ड नियर बाय. तो इनसे लोगों को लग रहा था, एनिमल्स को पता चला कि शायद लायन या टाइगर सॉरी लेपर्ड या टाइगर होगा आजू बाजू. द लंगूर इज मोस्ट रिलायबल. रिलायबल मतलब आप लंगूर पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो सबसे भरोसेमंद जानवरों में से है. When it comes to finding clues about the presence of the apex predators in the jungle, जब आपको apex predators के बारे में एकदम 100% श्योर अलार्म मिलता है, तो वो लंगूर से ही मिलता है. apex का मतलब topmost. The mighty elusive. Elusive का मतलब है जिसे आप कभी पकड़ नहीं पाओगे, जो बहुत ज़्यादा तेज होता है, very fast. लेपर्ड ऑफ अमरजारा. अमरजारा वॉज आउट ऑफ द लेयर. लेयर मतलब वो अपने डेन से बाहर है. लेपर्ड अपने डेन से बाहर.
ही वॉज लेर दिया है आपको यस देन सीक्रेट प्लेस ही वॉज ऑन द प्रोल मतलब वो ढूंढने निकले हैं द स्टेडली मूविंग फिगर इज इन स्पॉटेड गोल्ड ब्लैक क्लॉक वॉज स्पाइड बाई दीज लंगूस गोल्ड इनके आप लेपर्ड को अगर देखे होंगे तो लेपर्ड का जो स्किन है उसको ये यहाँ पे बताया गया है इवन द स्मॉल वंस फ्रॉम द लीजन ऑफ लंगूस वेर गिविंग अलार्म कॉक अलार्म क्लॉक्स जो है बड़े तो दे ही रहे थे लेकिन छोटे अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स यानी बहुत सारे छोटे छोटे लंगूस भी चिल्ला रहे थे यानी बोल रहे थे चैक चैक वो भी घबरा के अलार्म देने लगे हैं अब किरण जी क्या कर रहे हैं किरण जी बता रहे हैं आई स्टेड पुट गॉच द लीडर लंगूस टारगेट साइट एंड स्कैन द एरिया विजुअली यानी अब क्या है इतने सारे लंगूस चिल्ला रहे हैं चीख रहे हैं बता रहे हैं अलार्म दे रहे हैं अब आ कहाँ से रहा है वो प्रीडेटर इसको इसकी इसको ये कैसे पता चलेगा हमें तो किरण जी परफेक्टली गॉज करना मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना तो गॉज कर रहे थे किसको जो लीडर है लंगूर के लीडर क्योंकि अगर लंगूर का लीडर वेस्ट में देख रहा होगा तो वेस्ट से ही वो प्रीडेटर आ रहा होगा अगर वो ईस्ट में देख रहे होंगे तो ईस्ट से ही प्रीडेटर आ रहा क्योंकि लंगूर के जो लीडर होते हैं वो सबसे पहला अलार्म देते हैं और सबसे टॉप मोस्ट में बैठे हैं तो टुक सम स्टेप्स टॉप टारगेट साइड द एरिया विजुअली ओके तो उन्होंने पूरा स्कैन कैसे किया है लंगूस टारगेट साइट एंड स्कैन द एरिया विजुअली टुक सम स्टेप्स स्टॉप्ड अगेन थोड़ा आगे चले फिर रुक गए अ फ्रेश स्कैट स्कैट मतलब ड्रॉपिंग्स या पूप ऑफ द एनिमल वॉज लाइंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल रस्ते पे ट्रेल मतलब जो रस्ते में जा रहे थे वहाँ पे उन्होंने स्कैट देखा यानी ड्रॉपिंग्स या पूप ऑफ एनिमल्स देखा जो फ्रेश है फ्रेश है मतलब अभी अभी यहाँ से वो एनिमल पास हुआ है द ब्लूइश पर्पल फ्लाइज मतलब जो मक्खी होती है वेयर होवरिंग ओवर इट उसके ऊपर भिन भिना रही थी होवरिंग का मतलब होता है भिन भिनाना ऊपर आई वॉज श्योर दैट द लेपर्ड वॉज सम वेयर नियर तो उनको भनक पड़ गई थी कि लेपर्ड बहुत ही नज़दीक है द डिस्टेंट अलार्म कॉल ऑफ फोर हॉर्न्ड एंटीलोप जो फोर हॉर्न्ड होता है जो डियर जैसे होते हैं उनके हॉर्न होते हैं ऐसे चार तो उनको एंटीलॉप बोलते हैं वॉज एडिंग द केओस वो भी चिल्लाने लग रहे थे वहाँ पे ऑलरेडी लंगूरों ने केओस मचा रखा था उसमें इन्होंने भी अपना एड ऑन कर दिया आई बेयरली वॉक्ड अराउंड 15 मीटर्स एंड स्टॉप मैं 15 मीटर ही चला फिर मैं रुक गया आई हैड अपेरेंटली एंटर्ड इनटू स्कैंटम स्कैंटोरम ऑफ अ मिरेकल कॉल्ड लेपर्ड अब स्कैंटम एंड स्कैंटोरम का मतलब होता है जो जगह वहाँ पे लोग वंचित है वहाँ आप नहीं जा सकते हो प्रोहिबिटेड होते हैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ कुछ ऐसे मंदिर होते हैं कुछ कुछ ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे आप जा तो सकते हो लेकिन कुछ कुछ कमरों में नहीं जा सकते हो ऐसे बहुत सारे फोर्ट्स हैं ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है हिस्टोरिकल प्लेसेस स्कैंटोरम का मतलब स्कैंटोरम का मतलब होता है द होली ऑफ होलीज अ प्लेस रीजन वेरी फ्यू आर अलाउड एज सीक्रेट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ डन तो ये बहुत सारे जगहों पे ऐसा है तो उनका यहाँ पे ऑथर का क्या हुआ है ऑथर का ऐसा हुआ है कि वो ऐसे जगह पे पहुँच गया जो लेपर्ड का एरिया है वहाँ पे उनको जाना नहीं चाहिए था या फिर वहाँ पे वंचित था उनका जाना बट द बिग कैट वॉज नॉट विजिबल लेकिन वहाँ पे बिग कैट यहाँ बिग कैट का मतलब लेपर्ड होता है लेपर्ड वहाँ पे विजिबल नहीं था इट इज़ एन एलसिव एनिमल जैसे पहले भी बताया है एलसिव यानी कि वो के नॉट बी कॉट उसको पकड़ना मुश्किल है द सराउंडिंग्स वेयर रिमाइंडिंग मी दैट आई वॉज ऑल अलोन टाइम एंड अगेन जो आजू बाजू का दृश्य हो रहा था जो चीज़ वो चल रही थी उसके लिए इनको बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि मैं अकेला हूँ इस जंगल में मैं अकेला हूँ As I moved forward on the trail to Pitizeri, the fading alarm calls were still heard in the background. I could tell instinctively that the leopard had moved away. जैसे ही वो थोड़ा आगे चलने लगे धीरे धीरे वो जो आवाज़ें आ रही थी अलार्म आ रहा था
लंगूरों के तरफ से वो धीरे धीरे फेड होने लगा, क्योंकि वो आगे जाने लगे तो आवाज़ तो कम हो जाएगी ना, धीमी हो जाएगी. तो वो दिन में इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है विदाउट कॉन्शियस थॉट बाय नेचुरल रिस्पॉन्स. मतलब हाँ, मुझे पता है कि शायद लेपर्ड अभी चला गया. अपने आप को संतावना भी देते हैं ना लोग, शांतावना बोलते हैं, या तो टू मेक देम सेल्फ लाइक प्लीज़ ओके ठीक है, नहीं अब कोई नहीं है, लेपर्ड नहीं है, हम फ्री है, वी आर ओके, वी आर सेफ, ऐसे वो सोच के वो चल रहे थे. मीनवाइल आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस विद अ स्टिक इन हिज हैंड. उसी दौरान जब वो चलते चलते थोड़ा आगे गए जहाँ पे आवाज़ फेड होने लगा और उनके दिमाग में ये चलने लगा कि चलो आवाज़ भी कम हो गई है तो लेपर्ड भी नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने देखा एक आदमी को खड़े एक हाथ में स्टिक लेके. एज आई अप्रोच्ड ही अपीयर्ड स्पूक्ड ड्यू टू अलार्म कॉल्स ऑफ द लेपर्ड. जैसे वो जाके उनकी तरफ अप्रोच किया ऑथर ने, तो वो डरा हुआ सा था. स्पूक मतलब वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि उसे भी अलार्म मिल रहा था ना लेपर्ड का, तो उसे लगा कि लेपर्ड कहीं उसकी तरफ ना आता हो. वी ग्रीटेड ईच अदर, एक दूसरे को उन्होंने ग्रीट किया, हाय हेलो बोला. ही वॉज राजू इस्कापे फ्रॉम पिटजेरिया. वो उनका जो लकड़ी लेके जो बंदा खड़ा था उनका नाम था राजू इस्कापे फ्रॉम पिटजेरिया, जो विलेज में ये जाके स्टेशन होते हैं, जाके रहते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं. ही हैड कम टू कलेक्ट लॉग्स बट रिट्रीटेड ड्यू टू द लेपर्स मूवमेंट. वो लॉग जो लकड़ी जमा करने आए थे, लेकिन जैसे ही वो लेपर्ड का सुने तो वो बैकआउट कर लिए, उन्होंने वो इकट्ठा करना छोड़ दिया. राजू वॉज अमेज्ड एट माई रेगुलर सॉलिटरी विजिट टू अम्बरजारा द हेवन फॉर टाइगर्स. यानी हेवन मतलब अ प्लेस सेफ्टी और रिफ्यूज फॉर द टाइगर्स. वो सोचने लगे, राजू सोचने लगे कि अरे बाप रे, कि कैसे अकेले ही अम्बरजारा के फॉरेस्ट में अकेले ही घूमते हैं, और वो हमेशा, क्योंकि वो 400 डेज रहे वहाँ पे. लेपर्स एंड स्लॉथ बियर्स. तो जो जगह अम्बरजारा का जगह किसका है, टाइगर्स का है, लेपर्स का है और स्लॉथ बियर्स का है. वी स्टॉप्ड अंडर ए कुसुम ट्री टू टेक अ ब्रेक. तो दोनों कहाँ जाके खड़े हुए, एक कुसुम ट्री के नीचे जाके थोड़ा ब्रेक लेने के लिए खड़े हुए, क्योंकि दोनों ही डरे हुए थे. वी बोथ फेल्ट अ बिट रिलैक्स. तो थोड़े रिलैक्स हो गए. नाउ वी वर फोर आईज फोर हैंड्स विथ अ स्टिक. देन वी बोथ रिज्यूम्ड आवर वॉकिंग टूर. अब पहले तो एक जन अकेले अकेले थे, अब दो जन हैं, मतलब दो जन है तो चार आँख हो गया, चार हाथ हो गया, और एक लकड़ी थे, तो डरने की कोई तो बात ही नहीं थी यहाँ पे. तो इसलिए वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए और फिर चलने लगे वापस अपने वॉकिंग टूर. वॉकिंग टूर मतलब अपने रास्ते. अब देर वॉज वन टाइनी ट्रैक दैट ब्रोक आउट द मेन ट्रेल. अभी जो ट्रेल से वो चल रहे थे, समझो ऐसे जो ट्रेल में चल रहे थे, तो यहाँ पे से छोटा सा ट्राइनी ट्रैक आ गया, मतलब पतला रास्ता आ गया. अब एक इधर जाता हो, एक इधर जाता हो. आई विल टेक दिस रूट, यू गो स्ट्रेट. अब उसने बोला कि आप स्ट्रेट जाओ, राजू बोला आप स्ट्रेट जाओ, एंड राजू जा रहे राइट में. अब क्या हुआ, आई विल टेक दिस रूट, यू गो स्ट्रेट, सेड राजू एंड टर्नड. राजू ने टर्न किया राइट, राजू राइट चले गए. I kept walking straight until I climbed a familiar hillock. और किरण जी कहाँ गए, स्ट्रेट, और चलते रहे जब तक उनको एक फमिलियर मतलब जाना पहचाना हिललॉक नहीं मिला. I crossed the cement pillar and stones stacked by Forest Development Corporation. Stack का मतलब होता है एक चीज़ को एक साथ रखा हुआ. To mark the boundary of the forest compartment. गोल गोल करके सीमेंट के बनाए जाते हैं और उसे स्टैक किया जाता है, एक के बाद रखा जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि उसकी दायरे फॉरेस्ट का जो कॉरपोरेशन ने मार्क किया हुआ रहता है कि बाउंड्री जो है फॉरेस्ट के कंपार्टमेंट का बाउंड्री इतना ही है, इसके बाद नहीं जाना है. टुक अनदर ट्रेल. ओके, नाउ ही टुक अनदर ट्रेल आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन. फिर उन्होंने क्या किया, नीचे उतरे, नीचे उतर के वापस से उन्होंने एक अनदर ट्रेल लिया. वॉक्ड अक्रॉस ए ब्यूटिफुल महुआ ट्री. फिर वो महुआ ट्री के साइड से चलने लगे.
loaded with reddish brown leaves. Mahua tree में बहुत सारे red brown leaves लगे हुए थे. The ground under the tree was cleaned very well. तो नीचे का जो ground tree का ground था वो बहुत ही clean था. Clean था इसका मतलब है कि पत्ते घिरे नहीं, पर ऐसा होता तो नहीं है कि पत्ते घिरेंगे नहीं, तो शायद किसी ने क्लीन किया होगा वहाँ पे उस जगह को. The thought instantly flashed in my mind, I had lost my way. तुरंत उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं वापस से मैं अपनी ये खो दिया है, लगता है मैंने अपना रास्ता खो दिया है. Next moment, I found another dusky trail. Dusky trail मतलब धुंधला हुआ, मतलब शाम होने लगी है तो लाइट कम है, तो वो ट्रेल उनको रास्ता दिख तो रहा है लेकिन इतने साफ नहीं दिख रहा. Hastily, I took that trail which took me from a narrow gorge. Gorge यानी पतली सी जगह होती है between hill locks. दोनों hill के बीच में से एक पतली सी जगह होती है, उसको gorge बोलते हैं. To an open field. तो एक open field के तरफ वो खुल रहा था, जा रहा था. The area was surrounded by hill locks of dry, deciduous tropical forest. Deciduous trees होते हैं जो अपनी ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, उनके जो पत्ते होते हैं वो हमेशा घिरते रहते हैं, हमेशा ही ठंडी के टाइम में ड्राई होके गिर जाते हैं. I turned back to spot the sun. तो उन्होंने पीछे देखा सन को देखने के लिए कि सन कितना ऊपर है, क्योंकि सनसेट का टाइम होने आया है. Now the geographical west was set. मतलब sunrises in the east and sets in the west. So sets in the west होने का टाइम हो गया है, right? The dusky trail had vanished. तो उसी दौरान क्योंकि वो सेट होने का टाइम हो गया तो dusky जो trail है वो गायब होने लगा और वैनिश ही हो गया. Good heavens, हे भगवान, I was lost. मैं गुम हो गया हूँ. Completely lost in this jungle, that too at very dreadful time. बोले मैं तो पूरे दम से ये जंगल पे गुम हो गया हूँ और ऐसे टाइम पे जहाँ पे पूरा ही अंधेरा हो गया है क्योंकि सनसेट हो चुका है. The sun was melting down like a fleeting runner. जो रनर होता है ना बहुत जोर से भागता है, उसी तरह सन भी फर्स्ट से सेट होने लग गया है. अब उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा है. अब क्या टेंशन होगा, इसी वजह से उसे बहुत पसीना आने लगा है. Soaked in my own, अब वो बता रहे, soaked in my own sweat, I felt like shouting to my heart's content. मतलब उन्हें ऐसा लगा कि मैं बहुत जोर से चिल्लाऊँ, पूरे उनका जो बॉडी है पूरा पूरा पसीने से लथपथ, और उसे इतना डर लग रहा था कि वो जोर से चिल्लाए या रोए और बोले कि कोई तो मुझे बचा लो या मैं कहाँ फंस गया हूँ ऐसे. But there was no other soul to listen to my sound in this wilderness. अब इस वाइल्ड जगह पे, इस जंगल में कोई भी ऐसा दूसरा सोल यानी दूसरा प्राणी जो उसकी बात सुन सके नहीं था, तो वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे. I had two bags with me. The Shabnam bag having the camera and the other was a small colorful handmade bag used in villages to carry tiffin. शबनम बैग होता है कपड़े का बैग जिसमें पहले के ज़माने में सब लोग रखते थे, अपने सामान लेके जाते थे. तो ये कैमरा उन्होंने रखा था उसमें, और एक कलरफुल बैग का जिसमें उनका टिफिन था. द टिफिन स्टिल हैड सम स्टफ बट आई डिडंट फील लाइक हैविंग इट. टिफिन में थोड़ा खाना था, उनको भूख लगी तो थी पर वो खा नहीं पा रहे थे, बिकॉज उनका मन नहीं करेगा. एक्चुअल वो इतने डरावनी सिचुएशन में है, ड्रेडफुल सिचुएशन में है, वहाँ से उन्हें कहाँ से खाने का दिल करेगा. तो ही वॉज नॉट फीलिंग गुड टू हैव दैट हैविंग इट. द ब्लॉसमिंग बॉक्सवुड ट्रीज, द भूप भूप साउंड ऑफ कॉकल बर्ड, द सॉन्ग ऑफ रॉबिन बर्ड, ऑल अपीयर्ड एलियन टू मी. जब आप बहुत डरे हुए रहते हो, बहुत घबराए हुए रहते हो, तब आपको ऐसे लगता है कि आपके आजू बाजू जो भी आवाज़ आ रहा है वो आपको सुनाई नहीं देता. इवन सुनाई भी देगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जानते ही नहीं हो ये लोगों को. तो उसी तरह इनकी भी यही हालत हो रही थी. इतना ज़्यादा डर गए थे कि जो ये सारी चीज़ें वो जानते हैं, क्योंकि वो बर्ड्स के साथ रहे हुए हैं, वो बर्ड से बात भी करते थे, वो बर्ड वॉचर है, फिर भी उनको ये सारे जो साउंड्स है, रॉबिन के,
या फिर कॉकल बर्ड के या भूप भूप साउंड सब उनको एलियन लग रहा था, यानी स्ट्रेंज लग रहा था. इट वॉज मोर देन एन आवर एंड आई वॉज स्टिल देयर सर्चिंग फॉर अ सुइटेबल ट्री टू क्लाइंब एंड गेट सिक्योर. टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट, माई माइंड वॉज टेलिंग मी. एक घंटे के ऊपर होने लग गया, फिर भी उन्हें एक ऐसा कोई ट्री नहीं मिला जिस पे वो चढ़ के अपने आप को सिक्योर कर ले रात भर के लिए. और उनकी माइंड जो है वो बार बार उसे एक ही चीज़ कह रही थी कि चलो जहाँ से आए वापस चलो, वापस चलो, वापस हम पीछे चलते हैं. बट देर वर नो साइंस ऑफ द ट्रेल्स, लेकिन वहाँ पे कोई भी रास्ता उसको दिख ही नहीं रहा था. आई हैड नो अदर वे टू क्लाइंब द हिल लॉक बिफोर मी, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देख रहे थे सनसेट ऑलरेडी हो चुका था, तो सारी चीज़ें अंधकार हो गई थी, तो उनको तो वो ट्रेल भी नहीं दिख रहा था जहाँ से वो आए, तो वो किसी भी तरह वो वापस नहीं जा सकते थे. तो उन्होंने क्या किया, सामने जो हिल लॉक दिखा उसी पे वो चढ़ लिए. देर वेर मोर हिल लॉक्स एंड सम मोर अराउंड द वन आई वॉज स्टैंडिंग. जहाँ पे वो खड़े थे वहाँ पे भी उनका एक हिल लॉक था, और भी हिल लॉक्स थे जो उनके आगे पीछे दाएं बाएं थे, बहुत सारे हिल लॉक्स थे. Now, there were more hillocks and some more around the one I was standing. Near my feet were the dried up droppings of sloth bear. अब sloth bear का भी scat यानी droppings यानी poop वहाँ पे था, लेकिन वो dry किया हुआ था. Dry था मतलब dried था मतलब वो बहुत पहले ही बहुत time पहले वहाँ से sloth bear pass हुए होंगे. The sloth bear of Umbazara must be out in open sniffing for food. तो वो अभी सोचने लगे कि जो स्लॉथ बेयर है इनका पूप तो ड्राई हो गया है, मतलब बहुत पहले आया होगा, पर वो ढूंढने गया होगा खाना, स्निफ करते करते खाना ढूंढने गया होगा. आई कॉशन माई सेल्फ, उन्होंने अपने आप को संतावना दी, अपने आप को समझाया कि नहीं अब कुछ नहीं, आप हम सावधान रहेंगे. थिंकिंग ऑफ अवर्टिंग ऑल सॉर्ट्स इवेंचुअलिटी आई मेड अ मूव, बोले जाने दो जो होगा सो देखा जाएगा, चलो अब चलते हैं आगे. I ran down the hillock that I had climbed up at a frantic speed. Frantic speed मतलब excitedly, hurriedly, भाग भाग के वो पहुँच गए और एक hillock पे वो चढ़ के नीचे उतरने लगे. The west was to my right hand side. उनके right hand side में west था. Now, the evening breeze flew through my wet curled hair. जो शाम की ठंडी हवा उनके जो बाल पूरे पसीने से लथपथ था उसमें उनकी कर्ली हेयर है उनके, तो उसमें जब हवा जा रही थी, जब आपके बाल गीले होते हैं और जब हवा जाती है जैसे कूल इफेक्ट आता है, वैसे उनको वो कूल इफेक्ट लगने लगा. माई स्टमक वॉज एकिंग, मतलब उन्हें भूख लगा होगा इसलिए वो उनका स्टमक एक हो रहा था, एकिंग यानी पेन. आई केप्ट वॉकिंग इन होप, फिर भी वो चलने लगे इस आशा से कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा. आफ्टर अराउंड 50 steps आई फाउंड अ ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल. तो 50 स्टेप चलने के बाद उन्होंने एक रेड सॉइल देखा जहाँ पे उनको ट्रेल दिखाई दिया. ट्रेल दिखाई मतलब मार्क्स दिखाई दिया या रास्ता दिखाई दिया. आई फाउंड माई सिल्वर लाइनिंग ऑन दिस ट्रेल, मतलब होप, सिल्वर लाइनिंग उनको होप मिला है कि बस आशा की किरण. देर वर मार्क्स ऑफ बाइसिकल व्हील ऑन दिस ट्रेल, तो वो रास्ते के ऊपर बाइसिकल के मार्क्स थे. इसका मतलब कि आजू बाजू ज़रूर कोई सिविलाइजेशन है, यानी कोई ह्यूमन ड्वेलिंग्स है, वहाँ पे लोग रहते हैं, कोई विलेज है, कुछ तो होगा ही. दैट वॉज अ बिग कॉन्सोलेशन फॉर मी, मतलब उनके लिए बहुत ये एक बहुत ही कंसोलिंग थिंग था, बहुत ही अच्छी बात थी उनके लिए. देर मस्ट बी ए विलेज नियर बाय, वो अपने आप को ही बोल रहे थे हाँ तो यहाँ आजू बाजू विलेज तो होगा, क्योंकि साइकिल के मार्क्स तो विलेजर्स ही चलाएंगे, राइट. I reassured myself. More question resurfaced. बार बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन उनके दिमाग में चलता रहा. कितना दूर है, हाउ फार इज द विलेज एंड वेयर, कहाँ पर है, इन विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलने लगी. आई क्लाइम्ड वन मोर हिल लॉक एंड ट्राइड टू लोकेट साइंस ऑफ ह्यूमन सेल्फ सिविलाइजेशन. उन्होंने एक और हिल लॉक को क्लाइम किया और देखने लगे कि कहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये मतलब कहाँ पे वो विलेज है, कहाँ पे लोग वहाँ पे रह रहे कि नहीं.
माई लेग्स वर ट्रेम्बलिंग, मतलब उनके पैर कांपने लगे. ऑफ कोर्स इतना चले, डर सब कुछ है, चढ़ाए उतारे, ऊपर चढ़े, हिलॉक्स चढ़ रहे, उतर रहे, तो उनको थोड़ा तो उनको पेन होगा ही, तो उनका जो पैर है वो कांपने लगे. एज आई रीच द टॉप ऑफ द हिल आई जम्प्ड विद जॉय, जैसे ही वो हिल के टॉप में चढ़े वो खुशी से नाचने लगे. आई हर्ड द साउंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में लोग बात कर रहे, ये उनकी उनके कानों में ये आवाज़ पड़ने लगी. इन अ जिफी आई रन डाउन, इन अ जिफी मतलब एकदम घाई घाई में, जिफी जो होता है, जिफी का मतलब होता है घाई, वेरी स्पीड भी बोल सकते हैं, घाई भी बोल सकते हैं. द हिल फटाफट फटाफट वो नीचे उतरने लगे. टूवर्ड्स द साउंड विद फुल विगर, एकदम फुल फोर्स में. आई स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन, इतनी जोर से स्टम्बल करना मतलब किसी चीज़ पे अटक के गिर जाना. सॉ ड्रॉपिंग्स ऑफ ब्लू बुल्स नियर बाय, फिर उन्होंने देखा कि ब्लू बुल्स जो होते हैं उनके भी ड्रॉपिंग्स वहाँ पे थे. स्ट्रगल्ड स्टूड अप एंड डिसाइडेड विच डायरेक्शन टू मूव ऑन, तो वो स्ट्रगल किए और समझा कि किधर, अभी वो पुप्स में से उठे. ऑब्वियसली इतने ब्लू ड्रॉपिंग्स में अगर आप गिर जाते हो किसी के पुप पे तो ऑब्वियसली आपको तो बहुत गंदा लगेगा, तो वैसे ही वो उठे, उठ के अभी, लेकिन उन्हें तो कहीं जाना था, कहीं पहुंचना था, उनको ऐसा था कि कोई हैबिटेट मिल जाए, कोई ड्वेलिंग्स मिल जाए जहाँ जाके वो अपनी सांसें ले सके अच्छी तरह. तो अब जैसे कहाँ जाओ कहाँ जाओ. द साइंस ऑफ सिविलाइजेशन वेर विजिबल, फिर उन्होंने देखा कि ओके लोग दिख रहे हैं मुझे, उधर घर दिख रहा होगा, वहाँ पे हट्स दिख रहे होंगे उनको. द टाइनी स्लीपी विलेज ऑफ पिथजेरिया वॉज विजिबल थ्रू द ग्रीन वुड्स, जो जंगल हरा भरा जंगल है उसमें से उनको ये पिथजेरिया जो विलेज है वो दिखाई देने लगा. द लैंटर्न ऑफ राजीराम भलावीज फार्म, द लाउड स्पीकर इंस्टॉल्ड फॉर केशव भलावीज मैरिज, ऑल वेयर इन क्लियर साइट, यानी राजीराम का जो फार्म था उसमें जो लाइट लगा हुआ था वो भी उन्हें दिख गया. लाउड स्पीकर जो इंस्टॉल किया था क्योंकि केशव भलावीज का मैरिज था, शादी थी वहाँ पे, वो भी उनको दिखाई दिया, सब कुछ उनको क्लियर दिखाई देने लगा. टर्न लेफ्ट टू द स्पॉट द विलेज ले एंड फेमिलियर हिल लॉक सुई हुदाकी, सुई हुदाकी जो हिल लॉक का नाम है जो बहुत फेमस है वो उन्हें दिखाई दे दिया, और उनको जो आपका विलेज का जो हिल लॉक है, विलेज का लेक है एंड फेमिलियर हिल लॉक सुई हुदा की, वो भी दिख गया. तो वो बहुत खुश हो गए कि ठीक है मैं सही जगह पे आया हूँ. और द डॉग जो बाक करके उनको विलेज में ले आए, कि डॉग्स आर वन ऑफ द एनिमल्स हु रिकग्नाइज पीपल वेरी वेल, उनको अपने लोग याद रहते हैं, तो उन्होंने डॉग्स ने देख लिया उनको और डॉग उनको बाक करते करते विलेज के अंदर ले आए. सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, द फर्स्ट thing I did was to take a bath. Obviously, take a bath करेंगे क्योंकि इतने सारे droppings poops cat में कूदे हैं. The shaking of limbs had lessened a bit. जैसे नहाने के बाद जब वो आए तभी उनके पैर के जो tremble हो रहे थे, जो काँप रहे थे, वो थोड़ा कम हो गया. The stomach ache started again. वापस से उनका stomach pain होने लगा, ache होने लगा, क्योंकि उन्हें भूख लगने लगी. Ate to full and then slumped onto the cot. मतलब बहुत खाया पेट भर के और धड़ाम करके कॉट के ऊपर जाके गिर गया. स्लंप का मतलब होता है फेल हैवीली. लाइंग अवेक लुकिंग एट द स्टार स्टडेड स्काई, कॉट पे सो के, ऑब्वियसली वो विलेज है तो आप खुले आंगन में सोते हैं, तो वहाँ पे सो के ऊपर देखने लगे. वहाँ पे क्या देख रहे, स्टार स्टडेड स्काई यानी सितारों से भरा हुआ आसमान. आई स्पोक टू माई सेल्फ, उन्होंने अपने आप से बात की. देयर स्टिल एग्जिस्ट अ जंगल वेर वी कैन गेट लॉस्ट, मतलब बोले कि आज भी ऐसी जंगल हैं जहाँ पे हम अपने आप को ढूंढ नहीं पाएंगे या फिर हम गुम हो जाएंगे, हमें रास्ता नहीं मिलेगा. इज इन दिस आवर गुड लक नाउ टेकन फ्रॉम सखा नागजीरा बाय किरण पुरंदरे, उन्हीं की बुक है, उसी में से लिखी गई. अब ये जो लाइन है, देयर स्टिल एग्जिस्ट अ जंगल वेर वी कैन गेट लॉस्ट, इज इन दिस आवर गुड लक, यानी हमें हमारा नसीब इतना अच्छा है कि हमारे पास ऐसे जंगल एग्जिस्ट करते हैं. घने जंगल होना बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स होना भी बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है ये सेकंड पार्ट में आपको पता चलेगा. तो मैं मिलती हूँ आपके आपको द सेकंड पार्ट के साथ.
नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, और जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें अपने क्वेश्चंस बिल्कुल डालें. सो सी यू ऑन द सेकंड पार्ट विद द सेकंड वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर.